नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और शुक्रवार की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर, एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से अच्छे संकेत, करीब 50 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं 18,292 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज। वहीं निकाय में करीब 200 अंकों की मजबूती देखी जा रही है। डाउ फ्यूचर्स जो हैं इसमें भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड आप देख पाएंगे। तो एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेड देखने को मिला। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं, S&P में तेजी कायम है, नए रिकॉर्ड्स पर यहाँ पर ट्रेड दिख रहा है। वहीं डाउ निचले स्तरों से दिन के अब 150 अंकों का सुधार दिखाकर क्लोज होता हुआ दिखा। सपाट ट्रेंड डाउ में देखने को मिला, लेकिन नैसडैक में आप देखें 0.5% की 95 अंकों की मजबूती जरूर दिखी। विदेशी बाजार में कितने संकेत, क्या कुछ हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें फोकस करना है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं आज विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? मॉर्निंग मानसी, और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अगर आप देखें वैसे भी जो भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव रखा है, ग्लोबल मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक ही कारोबार कर रहे हैं। और आज सुबह भी अगर आप देखें एसडीएक्स निफ्टी तो खैर अच्छी बढ़त दिखा रहा है और 18,300 के करीब है। डाउ फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है, नैसडैक फ्यूचर्स पर हमने थोड़ा कंसर्न बनते हुए देखा था, पर इसके अलावा एशिया के मार्केट्स भी आपको बढ़िया ही एक्शन दिखा रहे हैं। एक्चुअली कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी एक्शन तो अच्छा ही रहा, थोड़ा आप कह सकते हैं मिला जुला कारोबार था, जहां पर हमने देखा कि परसों डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया था, कल S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही सातवें दिन लगातार हम S&P 500 पर तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है, नैसडैक आउट परफॉर्मर था और उसकी वजह से S&P 500 को भी सहारा मिला। IT शेयर्स में खरीदारी थी, नैसडैक करीब 0.6% ऊपर बंद हुआ। पर इसके सामने इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने हल्की सी सुस्ती देखी थी, डाउ की एक्चुअली सुस्त शुरुआत हुई, पर टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि डाउ पर भी अच्छी रिकवरी, दिन के निचले स्तरों से 160 अंक रिकवर होकर डाउ एकदम सपाट कल बंद हुआ है। तो ठीक ठाक ही कारोबार था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। बॉन्ड यील्ड ये बढ़कर 1.7% के करीब आ गई है, तो यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, और इसलिए हम देख रहे हैं कि नैसडैक फ्यूचर्स पर आज सुबह आपको ज्यादा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि बढ़ती बॉन्ड यील्ड से ग्रोथ स्टॉक्स पर सबसे पहले इंपैक्ट आता है। तो देखना पड़ेगा कि आज शाम IT शेयर्स अमेरिका में क्या होगा, क्योंकि कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स जो कल आई IT कंपनीज की वो भी कमजोर थी, तो आज उसका रिएक्शन रहेगा। कल नैसडैक आउट परफॉर्मर था, आज शाम देखते हैं वहां पर कैसा एक्शन बनेगा। इसके अलावा टेस्ला का शेयर 3% कल दौड़ा है नतीजों के दम पर, उसके सामने IBM के पोस्ट मार्केट IBM के जो रिएक्शन था वो 9% नीचे था, तो नजर रखनी पड़ेगी, थोड़ा सेंसिटिव अमेरिका के IT स्टॉक्स हो रहे हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बेरोजगारी दावे ये आए हैं 2.9 लाख पर, जो कि महामारी शुरू होने के बाद के सबसे कम दावे हैं। तो लगातार बैक टू बैक दो हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 3 लाख से कम साप्ताहिक बेरोजगारी दावे अमेरिका में आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है इकोनॉमी की स्थिति को लेकर। यूरोप की बात करें तो यहां पर हल्की सी गिरावट के साथ आपने कारोबार बनते हुए देखा, करीब 1/4 से 0.5% नीचे तक थे यूरोप के बाजार। कच्चा तेल कल ऊंचाई से फिसला है, आज सुबह थोड़ा आप रिबाउंड फिर से आते हुए देख रहे हैं, पर कल शाम को हमने देखा कच्चे तेल में एक अच्छा करेक्शन हुआ और ब्रेंट अभी $85 के करीब आते हुए दिख रहा है। सुबह रिबाउंड है, कल शाम को हमने अच्छी गिरावट कच्चे तेल में देखी है, और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी हमने सुस्ती बनते हुए देखी है, उसके सामने सोने में कल खरीदारी थी। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और S&P पर कल नया रिकॉर्ड बना है US मार्केट्स में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो अच्छे संकेत विदेशी बाजार की तरफ से आते हुए जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FISDIs का एक्शन देखिए, बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 2,819 करोड़ के आते हुए दिखे हैं। वहीं अब DIIs ने कैश मार्केट में 428 करोड़ की खरीदारी की है, साथ ही FIIs की तरफ से वायदा बाजार में 2,529 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। ध्यान रखिए, याद रखिएगा, कल जब हम देख रहे थे FISDIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े बड़े हुए आते हुए दिखे थे, लेकिन अब वायदा बाजार में आज 2,529 करोड़ की खरीदारी है। हाँ, कैश मार्केट में 2,819 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से जरूर आती हुई दिखी है। संस्थागत निवेशकों के इस ट्रेंड का असर भारतीय बाजार पर क्या पड़ता हुआ दिखेगा, विदेशी बाजार के संकेतों को आज भारतीय बाजार के लिए कैसे समझना है, आज के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत कैसे होगी, जान लेते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से अच्छे संकेत हम देख रहे हैं, फंड एक्शन भी, वायदा बाजार में FIIs की खरीदारी के आंकड़े हैं। सर, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार में जो उतार चढ़ाव है, क्या आज वो थमेगा? आखिरी ट्रेडिंग सेशन हफ्ते का शुक्रवार के दिन, पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएं?
गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए उतार चढ़ाव तो रहने वाला है, अभी बहुत जल्दी खत्म होगा, इसकी संभावना कम है। दो वजह है, एक विक्स और दूसरा एफआई और घरेलू फंड्स के आंकड़े, ये दो चीजें ऐसी जो ऊपरी स्तरों पर बाजार को थोड़ा जैसे तेजी होगी तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इशारा करेगी, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा ग्लोबल मार्केट से और हल्के मार्केट से, पोजीशन ट्रेडिंग की काफी कम है। तो आज संकेत जो ग्लोबल मार्केट से है वो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एकदम परफेक्ट है। लगातार सातवें दिन S&P ने रिकॉर्ड बनाया है, डाउ जिनके निचले स्तर से रिकवर होकर शानदार बंद हुआ है, सेंचुरी मारी है लगभग आपके नैस्डेक ने रिकॉर्ड हाई पर, वहां भी हम पहुंचते हुए उसके नजदीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते, तो वहां से सपोर्ट मिल रहा है। आप खुद सोचिए कि समझो ग्लोबल मार्केट थोड़ी भी खराब हो जाए इस मूड माहौल में तो हमारे यहाँ करेक्शन और कितना ज्यादा हो सकता है, तो उस लिहाज से एक चीज ये है, ये पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव वायदा कारोबार के आंकड़े हैं, अभी भी कल की एक हफ्ते की एक्सपायरी के बाद, अब ये हफ्ता शुरू हो रहा है, ये मंथली एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है, और मंथली एक्सपायरी में जाने से पहले बाजार काफी हल्के है, तो वो दूसरा पॉइंट है जो सपोर्ट देगा बाजार को। अब ऊपर में जो हमारे रुकने अटकने का मामला है, एक तो ये कि पिछले तीन दिनों में सेंटिमेंट को थोड़ा धक्का लगा है और लोगों को पहली बार समझ में आया कि एक तरफा तेजी नहीं होती, करेक्शन भी होता है, तो जैसे जैसे बाजार ऊपर आएगा तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी थोड़ी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, और घरेलू फंड्स की तरफ से भी और FIs की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली होती हुई दिखती है, स्पेशली FIs थोड़ा दम लगाकर बेच रहे हैं, तो ऊपरी लेवल पर वो प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग का डर जो है वो भी रहेगा। इन सब संकेतों के बीच में आपको जिन लेवल्स पर नजर रखनी है वो है आपके लिए 18,050, 18,100 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज भी, कल भी 18,050 के आसपास हमने सपोर्ट लिया। बेसिकली 17,950, 18,050 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और जब तक इसके नीचे बाजार बंद नहीं होते तब तक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर में 18,350, 18,375 तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी ने कल बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई, लीडरशिप दिखाई, और पहली बार 40,000 के पार बंद हुआ, बेहद मजबूत है, 39,550, 39,700 अब बैंक निफ्टी पर आज ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर की तरफ 40,350, 40,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। जी वान बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। तो आज अभी उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव में हर ट्रेडिंग रेंज और स्ट्रेटजी जो हम आपको बता रहे हैं इस पर ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा अगला हफ्ता जो है मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, इससे ठीक पहले आज शुक्रवार के दिन निफ्टी में सपोर्ट रेंज जो है 18,050 से 18,100 के लिए आप मानकर चल सकते हैं, 18,350 से 18,375 ये दायरा होगा निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 39,550 से 39,700 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें, 40,350 से 40,500 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो ये तो हो गई आज के लिए पहली स्ट्रेटजी, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे जो आए वो सब जान लेते हैं। इनफैक्ट ध्यान रखिए अब नतीजों का सीजन जो है पूरे जोश में आ चुका है, कल बाजार बंद होने के बाद करीब 9 से 10 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। कुशल, नतीजों से शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए लंबी लिस्ट है, इनफैक्ट जैसे कि आपने बताया तो काफी सारे सेट ऑफ स्टॉक्स पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें JSW स्टील सबसे पहला है, नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, मार्जिन्स 23% से बढ़कर 32% रहे हैं, और कंपनी की हाईलाइट ये रही है कि हाईएस्ट एवर मुनाफा और साथ ही कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। एक कंपनी का जो मुनाफा है 350% बढ़कर 7,170 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 5,674 करोड़ का था। बायोकॉन यहां पर मार्जिन देखिए 22.4% से 24.2%, कंपनी के मुनाफे में आपको हल्की सी 18% की गिरावट दिखेगी 195 से 160 करोड़ तो एज पर एस्टिमेट्स जो हैं लार्जली नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हमारा मुनाफे का अनुमान भी 160 करोड़ रुपए का ही था। TVS मोटर्स बेहतरीन नंबर्स हैं और एज पर एस्टिमेट्स भी आते हुए दिखे हैं, क्योंकि यहां पर कंपनी ने हाइएस्ट एवर रेवेन्यू और एबिटा घोषित किया है। इनफैक्ट कंपनी की आय में 22% का उछाल के साथ 5,619 करोड़ का आंकड़ा आया है, मार्जिन भी 9.3% से बढ़कर 10% और मुनाफा 42% बढ़कर 278 करोड़ पर कंपनी का आता हुआ दिखा है। कॉनकॉर नंबर्स अगर आप देखें तो अच्छे नंबर्स हैं, इन लाइन विद एस्टिमेट्स आप कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के मुनाफे में 41% का उछाल के साथ 264 करोड़ का आंकड़ा है, हमारा अनुमान भी लगभग यही लेवल्स पर था। साथ ही कंपनी की जो एबिटडा है वहां पर भी 36% के उछाल के साथ 426 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट कैनफिन होम्स पर नजर डालें तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स यहां पर भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं, ब्याज से आए लगभग
7.5% गिरकर 197 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 193 करोड़ का था। कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए है वो 0.9। कुशल, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, या एक ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। जी हाँ, सुबह 10 बजे के लिए ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। ध्यान रखिए, कल ही के दिन हमने एक नया आयाम छुआ है। सिर्फ 9 महीने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के ठीक बाद 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य देश ने हासिल किया है। और आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम एक संबोधन करेंगे। क्या कुछ निकल कर आता है इस संबोधन में, देखना काफी खास होगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। जी कुशल, बताएं। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कैनफिन होम्स का यहाँ पर मुनाफा जो है कंपनी का करीब 3.5% गिरकर 123 करोड़ पर फिगर आया है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएज हैं वहाँ पर हमें हल्का सा सुधार होता हुआ दिखाया, तो विच इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी नंबर्स देखें तो थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं, बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। मुनाफे में करीब 70% की गिरावट के साथ 248 करोड़ पर आंक रहा है। साथ ही कंपनी की जो ब्याज से आय है वहाँ पर भी 5% की कटौती देखने को मिली है। IEX यहां पर नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स 78% से बढ़कर 86% पर आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 75% ग्रो करके 78 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक थी उसमें 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने। ICICI लोम्बार्ड बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स, मुनाफा करीब 7.5% बढ़कर 446 करोड़ पर, हमारा अनुमान 345 करोड़ का था, यानी कि जो पिछला साल का मुनाफा था उससे कम जो है आपको नंबर्स आते हुए दिख सकते थे, पर उसके विपरीत कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट इंडियन होटल्स अंत में यहां पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की आय काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखी है, 184% बढ़कर 728 करोड़ पर, हमारा अनुमान 660 करोड़ रुपये का था। पर कंपनी का जो घाटा है वहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो 130 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान केवल 90 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी ने राइट्स इश्यू का जो साइज़ है 3000 करोड़ से घटाकर अब 2000 करोड़ कर दिया है। और साथ ही जो रूट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसमें करीबन 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपये में बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये तमाम नतीजे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। कुशल, इसी के साथ ट्रिगर्स और साथ ही और खबरें। देखिए, ट्रिगर्स में नंबर्स अगर आप देखें तो निफ्टी में HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही FNO में फेडरल बैंक, PVR, CG कंज्यूमर और पॉलीकैब इंडिया पर आपको नजर रखनी होगी। इनफैक्ट महाराष्ट्र में आज से सिनेमाघर भी खुलते हुए दिखेंगे 50% क्षमता के साथ। अपोलो पाइप्स बोर्ड बैठक होने वाली है नतीजों पर, और उसके साथ साथ बोनस शेयर इशू करने पर भी कंपनी विचार करेगी। मजेस्को का नाम चेंज होकर अब ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड आज से हो जाएगा। 3i इन्फोटेक कंपनी की आज रीलिस्टिंग होने वाली है। टी ग्रुप कैटेगरी में ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी 27 अगस्त को, आपको ध्यान होगा। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर, यहां पर भी QIP के इशू प्राइस अप्रूव करने पर बोर्ड बैठक आज होने वाली है। आइनस स्टायरोल्यूशन पर भी नजर रखिए, एक्स डिविडेंड 192 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, ये आज एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखेगा। साथ ही कुछ खबरें हैं मेरे पास जिसमें जोमैटो, नजारा टेक, साथ ही मैट्रिमनी जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि गूगल प्ले ने इन ऐप सब्सक्रिप्शन फीस को जो है इन ऐप सब्सक्रिप्शन फीस उसको आधी कर दी है। इनफैक्ट पहले इन ऐप सब्सक्रिप्शन फीस 30% हुआ करती थी, अब उसके बाद 15% पर ये फ्लैट चार्ज किया जाएगा, तो डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव साबित हो सकता है। टाटा केमिकल पर खबरें आ रही हैं कि कंपनी जो है $100 करोड़ में US की सोडा ऐश यूनिट को बेचने की योजना बना रही है, तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है टाटा केमिकल्स के लिए। साथ ही भारतीय एयरटेल का राइट्स इश्यू कल बंद होता हुआ दिखा, कुल 1.44 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, 535 रुपए प्रति शेयर पर ये राइट्स इश्यू 21,000 करोड़ रुपए का रखा गया था। IDFC लिमिटेड IDFC AMC में हिस्सा बिकवाली के लिए सिटी ग्रुप को इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्होंने नियुक्त कर दिया है। साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पर Q2 की प्री सेल्स में 88% की बढ़ोतरी आई है, तो काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट है। और साथ ही बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी दे दी है। इनफैक्ट अंत में दो फंड एक्शन है मेरे पास जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, राकेश झुंझुनवाला ने सितंबर तिमाही में ऑलमोस्ट 1.1% हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर राकेश झुंझुनवाला ने सितंबर तिमाही में 1.09% हिस्सेदारी घटाई है।
बिल्कुल कुशल, शुक्रिया। ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और साथी जो नतीजे कल आए वो हमें बताने के लिए, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको फोकस करना है। और एक लंबी लिस्ट नतीजों की आज भी है जो कि वायदा बाजार, निफ्टी और कैश स्पेस में आते हुए दिखेगी, इन पर भी हमें नजर रखनी होगी। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने जो ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए अब वो देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक है और दोनों में से मेरी पहली पसंद है कैनरा बैंक। ये अक्टूबर महीने की 205 स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल ऑप्शन खरीदें, स्टॉप लॉस रखिए 4.70 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 10 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा, तो यहाँ पे अक्टूबर माह की 1560 की कॉल खरीदें, अगर नीचे मिलती है तो अच्छा, पर स्टॉप लॉस आपको 25 ही रखना है और टारगेट आपका रहेगा 48 रुपए। ओके, तो शर्मा जी की तरफ से दो कॉल्स आती हुई कैनरा बैंक और टेक महिंद्रा। कैनरा बैंक पर अक्टूबर 2005 की कॉल खरीदने की राय, जो कि 6.70 रुपए पर मिलेगी, 4.70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 10 रुपए का टारगेट आप मानकर चले। वहीं टेक महिंद्रा में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, 1560 की अक्टूबर की कॉल खरीदने की राय यहां पर आती हुई, शर्मा जी का मानना है 25 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर लगाएं और 48 रुपए 48 के टारगेट्स को यहां पर आप मानकर चल सकते हैं। दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति, लेकिन चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं। चार कॉल्स हैं, चारों की चार खरीदारी की। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग से। HDFC लिमिटेड में खरीदारी की राय ये दे रहे हैं 2920 के टारगेट्स को मानकर चले, 2798 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिटी यूनियन बैंक पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय है 177 के टारगेट्स के लिए, 165 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग चोला फाइनेंस और ग्रासिम दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। चोला इन्वेस्ट 635 के टारगेट्स को मानकर चले, 602 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही ग्रासिम में अगर खरीदारी कर रहे हैं 1800 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1715 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चार ट्रेडिंग कॉल्स और दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति आज के लिए आपके लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। पिछली बार रिटायरमेंट की बातें कर रहा था और ये नई इनिंग्स कैसे शुरू कर दी? अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था। तो आगे का क्या प्लान है? नर्सरी, फिर कॉलेज और फिर पहले म्यूचुअल फंड्स। इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर, थोड़े थोड़े पैसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। फिर से म्यूचुअल फंड्स? सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये है सिमी के पापा, इन्हें चोटी बनाना मुश्किल लगता है, पर अपस्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विद यू माय ओन एक्सपीरियंस इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट सो ग्रोथ गियर्स। This will be of use to you. Chartered Accountants, The Growth Gears, presented by Committee for Members in Industry and Business, the Institute of Chartered Accountants of India. देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। कोटक होम लोन अब सिर्फ 6.5% पे। 6.5% पे? बताने से पहले कृपया ध्यान रखें। ये है शंकी शर्मा, इनके लिए परफेक्ट प्रोफाइल पिक पिक करना मुश्किल है, पर अपस्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अपस्टॉक्स के स्मार्ट फीचर से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रेटजी और किन शेयरों में आज आप पैसे लगा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बाजार पर आपका आउटलुक और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी जी।
देखिए, वैसे लगता है कि मार्केट जो है वो एक काफी इम्पोर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है, 18,000 के करीब, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन स्टैटिस्टिक, या पकड़ लीजिए कि पुट कॉल रेशियो जो कल काफी गिर चुका है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद 18,200 से लेकर 18,000 की जो रेंज रहेगी वो काफी ओवरसोल्ड रेंज है, और अगर हमें वापस अगर एक ड्रॉप मिलता है, अगर एक गिवअप अगर आता है मार्केट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक 40-50 पॉइंट की गैपअप से ओपन होने के इंडिकेशन दे रहा है बेस्ड ऑन सिंगापुर निफ्टी, तो हमें लगता है कि हायर ओपनिंग के बाद एक बार जो बाइंग करनी है वो अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट काफी जोर से गिरा है, तो रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस वापस एक बार आ सकता है, तो स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, ना कि बाय एट हायर लेवल की, और 18,150 को लेकर हमें लगता है कि 18,050 इस रेंज के अंदर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स बाय करें, और साथ ही साथ आप इंडेक्स में भी एक कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं, जो स्टॉप लॉस है 18,050, तो कल के लेवल से। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर स्टॉक्स में अगर बात करें, तो जैसे कल बैंक निफ्टी में तेजी बनी थी, तो उसके बाद अगर किसी बैंक स्टॉक्स में तेजी करनी है तो वैसे पीएसबी बैंक में काफी अच्छी तेजी बनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उनमें हमने लगातार तेजी देखी, लेकिन हमें लगता है साथ ही साथ कुछ प्राइवेट बैंक भी कैचअप कर सकते हैं, और एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे हमें लगता है कि बाय का इंडिकेशन आ रहा है, तो करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है, 790 का स्टॉप लॉस रखे, 845 के टारगेट के लिए इसे खरीदा जा सकता है, साथ ही साथ हमें लगता है कि 827 के ऊपर इसमें अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी बनेगा, और कोल इंडिया पे ध्यान रखें, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में हमें लगता है कि आने वाले 15-20 दिन में अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और कोल इंडिया काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 193-195 के टारगेट्स रखें, और 179 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस और बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी से हमने बात की, उनके रिकमेंडेशंस आपके सामने शेयर कर रही हूं। क्रूड और जिंक दोनों में बिकवाली की रणनीति है। वंदना का मानना है कि कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की जा सकती है, 6,200 के स्टॉप लॉस को मानकर चले, 5,900 के लक्ष्य यहां पर ध्यान में रखिएगा। जिंक बेस मेटल्स में जो उतार चढ़ाव दिख रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए जिंक पर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा, 280 के लक्ष्य को मानकर चलिए, यहां पर 286 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दो कॉल्स कमोडिटी मार्केट्स के और दोनों की दोनों बिकवाली की साइड की। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रही हूं।